गैंगटॉक दूरदर्शन केंद्र के प्रतिष्ठित ट्रांसमिशन टावर को भूवैज्ञानिक और अन्य कारणों से नष्ट करने की तैयारी हो रही है। 100 मीटर ऊंचा ये टावर 1999 में स्थापित किया गया था। गैंगटॉक दूरदर्शन केंद्र के हेड नीरज कुमार पांडे ने मीडिया को जानकारी दी कि इसी साल जून महीने में 33 साल पुराने इस ट्रांसमिशन टावर को नष्ट कर दिया जाएगा। इसका निर्माण 1991 में कंप्लीट हुआ था और धीरे धीरे इसका झुकाव बढ़ रहा था। झुकाव तो शुरू से ही 91 से ही लगभग कुछ दिनों बाद प्रारंभ हो गया था और इसका झुकाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो हमारा सिविल कंस्ट्रक्शन विंग है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन का, ये लोग इसकी मॉनिटरिंग करते रहते थे और अभी जब लगने लगा कि कुछ ज़्यादा इसका झुकाव हो गया है, 4.5 मीटर के करीब हो गया, झुक गया है, तो फिर इसके लिए स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस SERC चेन्नई, GSI शिलोंग और माइंस एंड जियोलॉजी गैंगटॉक को आमंत्रित किया गया और उन्होंने स्टडी किया और इन्होंने SERC चेन्नई ने फाइनल रिपोर्ट दी कि ये अब अलार्मिंग पोजीशन में है और इसका गिराया जाना ही ठीक होगा। और फिलहाल तो ये निर्णय हुआ है कि इसका जो 44 मीटर ऊपर का स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर, वो January 24 तक गिरा दिया जाएगा। उसका टेंडर हो चुका है और ये उसके बाद रिमेनिंग RCC स्ट्रक्चर June 24 तक गिरा दिया जाएगा।